अब तक आपने देखा कैसे चांदनी को चोट लगने पर अर्जुन के मामा जी ने लिया निर्णय चांदनी को वापस उसके घर छोड़ने का। अब ये दोनों एक साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आप बताइए हमें, किसने लिखवाई ये कंप्लेंट? कोई नौजवान था। और कैसे साहिब जी ने चली फिर से एक चाल? हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें बदनाम कर सके, हमारा नाम खराब कर सके। जिसकी वजह से चांदनी ने लिया अर्जुन के साथ उसी के घर में रहने का फैसला कि निकाल कर दिखाओ मैं इस घर से, क्योंकि अब हम तभी जाएंगे जब हमारे पापा खुद हमें लेने आएंगे। हमारा बेड तोड़ा था ना तुमने, तो अब सुन लो, हमें उससे भी बड़ा बेड चाहिए और हमें बैजू। जी भाभी। हमें आज खाने में चाइनीज चाहिए, सुना? और हाँ, हम एक बेड का ऑर्डर दे रहे हैं, जब आ जाए ना तो उस बिल का पेमेंट अपने इस अर्जुन भैया से करवा लेना। भैया किसी गाड़ी ने हमारे स्कूटर को ठोक दिया था, तो हम वहां पे रिपोर्ट लिखवाने गए थे पुलिस स्टेशन में। अर्जुन को तो पता भी नहीं है कि पुलिस साहब जी को आप पकड़ के ले आई। ननन जी, रायता फैल गया, मेरा मतलब है खीर नीचे फैल गई है, आप साफ नहीं करेंगे? एक काम आप ढंग से पूरा नहीं कर सकती हैं जानकी जी। अरे साहब जी, किया तो था, और अब तो आपकी बेटी घर वापस आ गई है और उसने कसम भी खा ली है कि वो कहीं नहीं जाएगी, और हमने तो आपको सही वक्त पे इंफॉर्मेशन दी भी थी ना कि आपकी बेटी आपके घर वापस आ रही है। सच कह रहे साहब जी, ये तमाशा तो हमें करना ही नहीं पड़ता अगर आज उसने ये पुलिस जाने की बात नहीं की। आपको नहीं लगता कि आप बोलती कुछ ज्यादा है और करती बहुत कम है? बिटिया को घर छोड़ने के लिए तो आपके ही पति देव आ रहे थे ना। अरे वो तो हमारी राजनीतिक समझ थी, हमारा तजुर्बा था कि हम बच गए, वरना आपको क्या लगता है आपका भतीजा पुलिस स्टेशन ऐसे ही पहुंच गया था? जी नहीं, वो हमारा प्लान था। हमारा प्लान था कि हमारा आदमी जो है वो मनु का स्कूटर ठोकेगा, बखेड़ा खड़ा करेगा ताकि अर्जुन पुलिस स्टेशन आए, और हमने भी पुलिस से कह के अपने आप को अरेस्ट करवा लिया ताकि हम भी पुलिस स्टेशन उसी वक्त पहुंचे। अरे वाह वाह वाह, आप तो एकदम मौका देख के छक्का मार देते हो। वैसे आपसे कौन जीत सकता है, चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। देखिए आप बीच में कुछ मत बोलिए, हमारी बात को सुनिए ध्यान से। हम आपको एक काम सौंपना चाहते हैं। आपको याद है जब हमारी बेटी पर कीचड़ उछला था अखबारों में, आपके रहते हुए? हाँ, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम और हमारी बिटिया जनता की नजरों में ऐसा उठे कि हमें कोई गिरा ना पाए। अर्जुन और चांदनी साथ साथ हैं, एकदम खुश हैं, ऐसी फोटोएं छपती रहनी चाहिए अखबार में ताकि हमने उनकी शादी को जो मान्यता दी है उसकी अहमियत में कहीं कोई कमी ना हो। लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि अर्जुन और चांदनी की शादी को स्वीकार करना एक राजनेता का नहीं बल्कि एक अच्छे संस्कारी बाप का फैसला था, जैसे अर्जुन और चांदनी दोनों खुश हैं। और ये काम आपको ही करना है, वरना माफ कीजिए। अरे हो गया, समझ लीजिए आपका काम हो गया। प्रणाम। नमस्ते रखते हैं। अपनी औकात से बढ़कर कुछ ज्यादा ही मुंह फाड़ने लगी हैं जानकी जी। सर जी, हमको आज्ञा दीजिए, उस औरत को उसी की भाषा में समझाते हैं। हमारे पत्नी का बहुत अच्छा नेटवर्क है उस एरिया में, उसका सारा नेटवर्क सिस्टम बिगाड़ देंगे।
भी तुम्हारी अलमारी है ना? हाँ, पर आप ये सब क्या कर रही हैं? क्योंकि अब हम यही रहने वाले हैं, इसी घर में, तो अब तुम हमारे साथ रहोगे। याद है ना, मामा जी ने भी यही कहा था। अपनी भाई की सफाई में ना कुछ मत बोलना प्लीज। हम उसे अच्छे से देख भी चुके हैं और पहचान भी चुके हैं। चलो अब। पर देवा, हमने कहा ना तुम हमारे साथ रहोगी। चलो चलो, ये अपनी बुक्स वुक्स बाद में ले लेना। चलो चलो। चेक तो करना पड़ेगा, क्या पता तुमने कहीं आरी बारी रख दी हो पहले की तरह। गुड़िया, तुम एक काम करो, तुम अपना सामान लेकर कमरे में जाओ। ये बेड ना हमने तुम्हें खैरात में दे दिया। वो क्या है ना, हमारे घर में हम पशुओं को भी आसरा दे ही देते हैं। संस्कारों की बात है, आप नहीं समझ पाओगे। और ध्यान से सुनो, दोबारा हमारी बहन की चीजों को छूना भी मत, वरना तुम तो जानती हो कि हम ईद का जवाब कैसे देते। चले गुड़िया। हार तो हम भी नहीं मानने वाले मिस्टर अर्जुन शर्मा, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और उन्होंने हमारा नाम लिया मिस पेटे वाली गली जानकी। अरे हमें तो कोई मना नहीं करता। मम्मी जी, मम्मी जी, वो चमन चाट वाले ने आपको चाट देने से मना कर दिया। बहुत? और नहीं तो क्या? मामी जी, मामी जी, दुकानदार ने बोला आपको हेयर डाई नहीं देगा। चुप कर। अरे रेखा, आज तो किट्टी है ना, तुमने हमें बताया नहीं? नहीं जानकी जी, आज से आप हमारे किट्टी में नहीं हैं। हेलो। जानकी जी, ऐसा लगता है जब पूरा के पूरा मोहल्ला आपका बहिष्कार करता है तो क्या? तो क्या है ना, औरतों वाला खेल खेलना ना अच्छा नहीं लगता, पर आपको तो यही भाषा समझ में आती, इसीलिए आपको आप ही के तरीके से समझा दिया है कि आप साहेब जी की बातें न भूले। जी बैजू। जी भाभी, आपका चाइनीज फूड मंगा लिया है। थैंक यू सो मच। आओ ना, आइए ना बैठिए। थैंक यू, थोड़ा सा और। जरा हम भी लेंगे। जी जी, लीजिए ना। बैजू। जी भैया। ये क्या खाना बना? केचुए की खिचड़ी? ढंग का खाना नहीं बना सकते थे क्या? कुछ है? लाता हूँ भैया। और सुनो, ये माँ, गुड़िया, मामा जी, पापा कहाँ पर है? वो खाना खाने नहीं है आज? पापा जी और मामा जी डिलीवरी के लिए गए, और माँ जी और दीदी पड़ोस में गए, बस आते होंगे। कैसा लगा खाना? अच्छा है ना? डोल, जरा वहां जाके बैठो, अर्जुन के पास। क्यों? क्यों? तुम दोनों की फोटो खींचनी है कंपटीशन के लिए। चौबे जी की जो नई बहू है वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है,
तो हम क्यों पीछे रहे, है ना? हाँ मम्मी, आपको पता है उनके बेटे ने भी ना लव मैरिज की है। ऐसे भी किस्मत होती है लोगों की। अरे छोड़ो लव मैरिज को, आजकल के जोड़ों को शादी का मतलब भी पता है। वैसे सारे मोहल्ले के औरतों ने नए जोड़ों के लिए नहीं कंपटीशन रखी है। केस प्राइस भी है और कंप्यूटर भी है। कैश प्राइस घर पे आ जाएगी तो रेवा की फीस का जुगाड़ भी हो जाएगा और कंप्यूटर तो सबको काम आएगा, है ना अर्जुन? तो इस कंपटीशन के वजह से जोड़ियों को ये पता चल जाएगा ना कि साथ में कैसे रहते हैं, एक दूसरे को समझते कैसे हैं, प्यार बढ़ेगा और वो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट भी आएगा। तो मैं सोच रही थी कि शक्ति और राखी जा ही रहे तो आप दोनों भी चले जाओ, है ना? तामा जी, मामी जी, हम दोनों इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। सिर्फ इस एक बात के लिए तो हम भी इसके साथ हैं। हम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सॉरी, कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। मामी जी, अगर आप हमें कंपटीशन के लिए मनाने आई हैं तो प्लीज। हमने कुछ कहा? अच्छा, आप खुद ही समझ गई कि हम मानने नहीं वाले। मनाने वाला कौन है? हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक सुझाव है, बस सुन लो। अच्छा लगे, तुम जाननी से छुटकारा चाहते हो ना, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बस समझ लो ये काम तुम्हारा हो गया, हम कर देंगे। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। और वो क्या? तुम ना इस कंपटीशन में हिस्सा ले। एक तरफ कंपटीशन खत्म, दूसरी तरफ चांदनी ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। बोलो मंजूर? क्या कानपुर में हड़ताल है का? चलो दोबारा कह देते हैं। एक मिनट, हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे घर में एक आप हैं जो चाहती है कि हम और चांदनी अलग ना हो, और अब आप ही कह रही हैं कि आप हमको और चांदनी को अलग करवा सकती हैं। ये हृदय परिवर्तन कैसे? अरे अब क्या करें ना अर्जुन, सब कुछ हमारी मर्जी से थोड़ी ना होने वाला है। सच बता रहे, हम तो परेशान हो गए उस लड़की से। और नहीं तो क्या, देखो रोज कोई नया तमाशा कर देती है, परेशान करके रखा। तो सोच लो, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले लो, क्या पता शायद जीत भी जाओ। और अगर जीत गए तो ये जानकी तुम्हारा काम कर देगी। जानकी सब जानती है, तुम्हारा डिवोर्स तो होके रहेगा, देख लेना। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो इनाम में हमारा डिवोर्स हो जाएगा चांदनी के साथ? पक्का पक्का। हैंडशेक्स। मामी जी, हम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना आप हमें समझती हैं। अब हमें ये जॉब एप्लीकेशन बहुत जल्दी से तैयार करना है, क्योंकि अगर अभी तैयार नहीं किया ना तो हम इस इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएंगे। और इस जूस के लिए थैंक यू, हम आपसे बाद में मिलते हैं। परेशान करके रखा इस लड़के ने। अरे दामाद जी, आप भी ना पता नहीं कहां कहां से प्रकट हो जाते हो। अरे हम तो ऐसे ही हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। लेकिन गंगा मैया की कसम मम्मी जी, हमने देखा कभी आप अर्जुन और चांदनी को मिलाने की कोशिश करती हैं, तो कभी आप उनको अलग करवाने की कोशिश करती हैं। मम्मी जी, सीन क्या है, क्या चक्कर है? Everything is fair in loves and wars. कोई भी तरीका अपना लो, बस काम हो जाना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़ो, अभी तो फिलहाल सबसे बड़ा काम ये करना है कि साहब जी को भरोसा दिलाना है कि ये दोनों अर्जुन और चांदनी एक दूसरे के साथ बड़े खुश हैं। पर मेरी प्यारी मम्मी जी, आप क्यों ये शिव धनुष उठा रही हैं? आपका प्यारा भांजा तो गया, आपको
ठेंगा दिखा के। रामा जी, don't disturb up please, don't disturb. बहुत सोचना है हमें। जा रहे हैं। शांत, शांत। ये मसाले हैं ना, इसको इस तरह से कूट कर पीसोगे ना, तो सारे मोहल्ले तक खुशबू जाएगी। देखो, आ रही है खुशबू? अच्छी। आ चुकी है। बैजू, हमारे सर में दर्द है। कॉफी बना दोगे? भाभी जी, घर में तो आज तक कॉफी किसी ने लाया ही नहीं, कोई पीता ही नहीं ना। दूसरों को सरदर्द देने वालों का भी सरदर्द होता है, बताओ। बैजू, जा जरा अदरक की चाय बना दे। और सुन, आंगन से वो 4-6 पत्ती तुलसी के भी ले आ, वो डाल देना, सरदर्द ठीक हो जाएगा। अभी बनाता हूँ। थैंक्स आंटी। बाल देखे हैं अपने, कैसे रूखे हो रहे हैं। सर दर्द तो होगा ही, ये आजकल की लड़कियां पता नहीं बालों में क्या क्या लगाती रहती हैं। कभी घुंघराले बाल करने के लिए कुछ लगा लिया, फिर उसी बाल को सीधे करने के लिए लगा लिया। कभी तुम्हारी माँ ने तेल की मालिश नहीं की क्या? कस के चोटी बना दी होती ना, तो ये सब कुछ नहीं होता। वो आंटी, हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अरे रेवा रानी, इतनी सच सच की कहाँ जा रही हो? ओ, ओ, इधर। मामी जी, मैं ओ, माँ, ओ, चौबे अंकल है ना, उनके यहाँ दावत है ना, तो बस वही जा रहे थे। 3 बजे है दावत, अभी से ही जा रही हो या किधर और जाके फिर चौबे जी के यहाँ आने का इरादा है? नहीं मामी जी, वो मैंने सोचा कि आंटी के घर जाकर वो थोड़ा उनकी हेल्प कर दूंगी। वाह रेवा, अपने घर में फंक्शन होता है तो कभी ये बात तुम्हारे ख्याल में आती तो नहीं है? भाभी क्यों टोक रही हैं रेवा को? हमें उस पर भरोसा है, वो ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं करेगी। हाँ ये तो सही बात कह दी, ऐसा वैसा कोई काम कर ही नहीं सकती। वो क्या कह रहे, उस दिन वैलेंटाइन डे पे तो भी इतनी सच सच के गार्डन में तो घूमने गई थी ना। देखो अपनी बच्ची है इसलिए कह रहे, कहीं कीचड़ वीचड़ में पाँव पड़ जाए तो बोलना मत। भाभी जी चाय। बेटा तुम जाओ, जब अपना मन साफ हो ना तो कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ जाओ। अरे चौबी जी के घर जाना है, उन्होंने सबको न्योता दिया है। वो हम एक्चुअली देखा, देखो इसे कितनी आज्ञाकारी है, बड़ों की हर बात मानती है ना। अरे ननन जी कहाँ जा रही हैं आप? देखा, चलो कोई नहीं, हम भी तैयार हो जाते हैं। क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते तो सबके दुख सुख में ना शामिल होना चाहिए। तुम भी तैयार हो जाओ डोल, हम भी तैयार हो जाते हैं। अरे राखी निकल, निकलते कि नहीं घुसर खाने से। मामी जी तो अब तक आए ही नहीं, रेवा भी पहले ही चली गई, क्या करें? हमें तो पता ही नहीं कि चौबी जी का घर कहाँ है, अब कैसे जाएंगे? रेवा, चलो रेवा तो है, उसी के साथ चले जाएंगे। समीर प्लीज तुम अभी यहां से जाओ, प्लीज किसी ने देख लिया तो। रेवा पहले तुम ये बताओ कल कॉलेज जाओगी कि नहीं?
समीर, रेवा तुम समझ नहीं रही हो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। रेवा, रेवा तुम समझ नहीं रही हो, तुम मेरा फोन कॉल नहीं उठा रही हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, हमको भूल गई हो क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,